अस्सलामुअलैकुम भाई, ये हम लोग इधर खड़े हैं तलाशरी के ऊपर, यहाँ गाड़ियों को जाने नहीं दे रहा है। यह हमारा फार्म है, ऑनलाइन बकरा बेचने का महाराष्ट्र सरकार ने बोल दिए थे, हम ऑनलाइन बकरा बेच चुके हैं, अब डिलीवरी देना है, माल आने नहीं दे रहे, ये कौन सा कानून है, अब क्या बताएंगे। ये हमारा अलबुरा गोट फार्म है, हमने इधर लोकल कॉरपोरेटर से भी उधर परमिशन लिए, तब लिए, पूरा साइन सिक्का करा के लिए, पेपर दिखा रहे गोट फार्म का, तो भी ये जाने बग्गा, गोट फार्म की भी गाड़ी नहीं जाने दे रहे, लोकल व्यापारियों की भी नहीं जाने दे रहे, ये मामला समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कर रहे हैं। और जिनके ऑर्डर लिए अभी उनका जवाब कौन देगा, ये आपको भाई तमाम जितने नेता इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं कि भाई मुसलमान कुर्बानी बराबर से होने देंगे, ऐसा होने देंगे, उद्धव ठाकरे जी ने बोल दिए कि ऑनलाइन बकरा बेच दो, हमने ऑर्डर्स ले लिए, लोगों से एडवांस ले लिए और माल मंगा लिए है, ये चार गाड़ी माल मंगाया हूँ मैंने, एक एक गाड़ी की कीमत 20-20 लाख रुपए की कीमत है। अब ये गाड़ी में बकरा 40-40 घंटे से खड़े खड़े ख़राब हो जाएगा, कुछ बकरे मरना भी चालू हो गए, तो ये सब नुकसान भर के कौन देगा। जब सरकार ने बोली थी तभी हमने बकरा मंगाए ना भाई, ऑर्डर लिए है तब के, अब उसका देखो, ये दूसरे भी व्यापारी खड़े, भाई जरा सुनाओ अपनी भी कहानी सुनाओ। भाई हम भी बाहर से आए हैं, हरियाणा से 13 से 14 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, 3-3 रोज खड़ा हो गए हमको यहाँ, और कोई सरकार कोई सहारा नहीं लगा रहा है, ऐसा क्या कानून बना रहे हो आप भाई। हम भी गरीब आदमी, किसी से पैसा लिया, किसी से यारी रिश्तेदारी से पैसा लिया, हम परेशान हैं, हमको तो खाना भी मिल रहा है, चलो चाय मिल रहा है, लेकिन हम तो अपना पेट भर रहा है, पशु कैसे पेट भर रहा है, एक एक गाड़ी में 8-8, 10-10 बकरे मर चुके हैं, हम कहाँ पाएंगे इस पैसे को। भाई ये मैं पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदारी कोई लेगा, हमारा जो मुसलमान नेता है जो मेहनत कर रहे हैं, अबू अजीज साहब है, रईस शेख साहब है और भी कई नेता है, ये बकरे ऑनलाइन तो ऑर्डर लिए, हमको 300-300 आदमी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारे बकरे का क्या हुआ, हमारे बकरे का क्या हुआ, कुछ बोरी हजरात है उनकी, परसों के दिन ईद है, ये जवाब क्या देंगे, या तो फिर इसका कंपनसेशन क्या करेंगे, जो बकरे मर रहे कुछ ना कुछ उसका हल निकालो भाई, और उसका बताओ हमारे को, हम लोग खड़े, या तो फिर हम लोग इधर से ही बकरे छोड़ देते, कम से कम घास तो खा लेंगे बकरे, भूखे मरने से अच्छा तो कुछ तो खिला पिला के उसको छोड़ देवे। प्लीज़ ये मेरा मैसेज है ना सलीम भाई, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ज़रा वायरल करो या तो घुमाओ किसको, कि इन लोगों को कुछ कान में जावे बात को, इधर बहुत बकरे मर रहे गाड़ी में खड़े खड़े, जुदा कर ला।